Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, टॉप 20 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की विजिलेंस रिपोर्ट को स्वीकारने से ही मना कर दिया है। उत्तरकाशी टनल हादसे को आज नौवां दिन है। 41 मजदूरों को निकालने का काम आज भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र में मछुआरों की नावों में आग लगी है। कई नावें जलकर खाक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के पाली और हनुमानगढ़ में चुनावी रैली करेंगे। बीकानेर में उनका रोड शो का कार्यक्रम है। अमेरिका में भारतीय समुदाय के सदस्य छठ मनाने के लिए तट पर एकत्रित हुए। महिलाओं ने भगवान सूर्य को अर्घ देकर की छठ मैया की पूजा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मैच को देखने के लिए देश भर से वीवीआईपी पहुंचे। पूर्वांचल के माफिया डॉन व पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह को बड़ी राहत मिली है। चंदौली जिले में 37 साल पहले एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में हाईकोर्ट से भी ब्रजेश सिंह बरी हुआ। भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग आज एकदम फ्लैट नोट पर हुई है। सेंसेक्स निफ्टी में कोई तेजी नहीं है, ये सपाट कारोबार कर रहे हैं और बैंक निफ्टी वो सेक्टर है जो बाजार को नीचे खींच रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग पिंजरे में बंद तोता और एक दिखावा बनकर रह गया है और उस पर बीजेपी के कार्यों पर आंख मूंदने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में मवेशी चरा रहे 22 वर्षीय एक व्यक्ति की बाघ के हमले में मौत हो गई। वन अधिकारियों ने यह जानकारी दी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ के कुंडला इलाके में सूटकेस के भीतर से एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में स्थित हिंगोली जिले में रविवार की सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मनोज अरांगे पाटिल ने सांसद उदयन राजे और एमएलए शिवेंद्र राजे भोसले से मुलाकात की है। जालना जिले के अंबार की बैठक में मंत्री छगन भुजबल द्वारा की गई आलोचना का जवाब देने के लिए मनोज अरांगे पाटिल ने भी जालना में एक भव्य बैठक का आयोजन किया है। इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्नॉल्ड डिक्स उत्तरकाशी में सिलकियारा सुरंग पहुंचे हैं। यहां फंसे हुए पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चल रहा है। भारत विश्व कप फाइनल में नहीं जीत सका, लेकिन टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। टीम इंडिया के लिए अपना सपोर्ट दिखाते हुए बी टाउन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की एक तस्वीर शेयर की है। बिग बॉस 17 के बीते एपिसोड में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन को एक स्पेशल सर्विस मिली थी, जिसके बाद सभी घर वाले बगावत पर उतर आए हैं। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 रिलीज के दूसरे संडे में पूरी तरह से फेल नजर आई है। रविवार को पूरे देश का ध्यान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल पर था। बिग बॉस 17 के घर से सोनिया बंसल बाहर हो गई है, लेकिन उन्हें फैंस के वोट से नहीं बल्कि घर वालों ने आपसी सहमति से बाहर निकाला है। फिल्म धूम के डायरेक्टर संजय गढ़वी का निधन हो गया है। इस खबर ने मनोरंजन की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि डायरेक्टर की जान हार्ट अटैक से गई है। फिलहाल टॉप 20 न्यूज में इतना ही। आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।